कहते हैं जीवन में सफलता के लिए एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी होता है। श्री रमेश भाई ओझा, जो भाई या भाई जी के रूप में लोकप्रिय हैं, वह एक आध्यात्मिक गुरु हैं जो हमेशा लोगों को सर्वशक्तिमान के अस्तित्व पर विश्वास कराते हैं। उन्होंने अपने सारे जीवन को दुनिया की भलाई के लिए समर्पित कर सत्य के मार्ग का अनुसरण करने के लिए काम किया है। श्री रमेश भाई ओझा मानते हैं कि लोगों को प्यार, भलाई और आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना चाहिए। उनके उपदेश मानव जाति के बीच उच्च गुणों के बीज बोने की दिशा में निर्देशित हैं, जो व्यक्तियों को प्रबुद्ध आत्माओं में बदल देगा। श्री रमेश भाई ओझा का जन्म 31 अगस्त 1957 को गुजरात राज्य में सौराष्ट्र जिले के देवका नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय श्री ब्रजलाल कांजी भाई ओझा और उनकी माता श्रीमती लक्ष्मीबेन ओझा चार भाइयों और दो बहनों के परिवार में अपने दूसरे बेटे के रूप में रमेश भाई के जन्म से बहुत खुश थे। श्री रमेश भाई के पिता और उनकी दादी श्रीमती भागीरथी बेन भागवत के एक दृढ़ अनुयायी थे, जिन्होंने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। उनकी दादी गांव के अशिक्षित बुजुर्गों को शिक्षित करने और पढ़ाने के लिए भी समर्पित थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा राजुला के एक संस्कृत स्कूल तत्व ज्योति में पूरी की। आखिर में वह मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की और वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह अपने चाचा जीवन राज ओझा से प्रेरित थे, जो भागवत पुराण के कथाकार थे। उनके चाचा ने कथा में उनकी रुचि देखी और उन्हें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और अभ्यास करने की प्रेरणा दी। उन्होंने गंगोत्री में 13 वर्ष की उम्र में भागवत पुराण पर अपनी पहली कथा आयोजित की। 18 साल की उम्र में उन्होंने मध्य मुंबई में भागवत पुराण का वचन किया। तब से उन्होंने दुनिया भर में कई पठन किए हैं। भाई जी के उपदेश बताते हैं कि अज्ञानता को केवल शिक्षा द्वारा मिटाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक निश्चित संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षित करके निरक्षरता को दूर करने की दिशा में सदीपनी विद्या निकेतन के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसके द्वारा युवाओं के दिल में धर्म और अच्छे संस्कारों की उपज की जा रही है। श्री रमेश भाई ओझा ने 1980 में गुजरात के पोरबंदर में प्रतिष्ठित संदीपनी विद्या निकेतन स्कूल की स्थापना की। संदीपनी विद्या निकेतन में छात्रों को वेदों, उपनिषदों तथा शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। इसके परिसर में 500 छात्रों के लिए आवास और संस्कृत शिल्प में व्यापक शिक्षा प्रावधानों के साथ साथ पूर्ण धर्म निरपेक्ष पाठ्यक्रम भी बनाया गया है। ऋषिकुल के अध्ययन के 8 साल के पाठ्यक्रम के साथ स्नातक शास्त्री होता है।